देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। इस व्यक्ति ने हमारा काम और आसान कर दिया। कैसे? समझाता हूँ। तुम सब इन सब के सोने का इंतजार करो। उसके बाद जब ये लोग सोने लगेंगे तब बहुत चालाकी से काम करना है, ठीक है? और तुम इस एंग्लो इंडियन ने यहाँ जो जो कहा और डेविड सर को बता के आओ। जी, जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना है, यही रहना अपने घर में। मुझे कहीं नहीं जाना। देखा, इसीलिए कहते हैं सही चीज के लिए जश्न मनाओगे तो कोई बाधा नहीं आएगी। ये ऐसे जबरदस्ती का जश्न मनाओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अरे किसे समझा रही हो? और यहाँ कौन है समझने वाला? मैंने कहा था ना कि कोई समझने वाला नहीं है, देख लो। रामजी भाव, जश्न तो मना लिए, अब चलिए खाने खिलाने की बारी है, खाते खिलाते हैं। देश, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जी भाई। सर, उसने इतना कुछ समझाया और अंत में फिर एक डंडे को जमीन में गाड़ के उस पर काली चादर टांग दी है और कहा कि जब लगे यहां नहीं जी पाओगी तो आ जाना। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब तो हमारा प्लान 100% सक्सेसफुल होगा। बस कल सुबह तक का वेट करो। ठीक है सर। अरे उठो, देखो, ये क्या है?
अरे हम सब बंधे हैं, जिसका डरता वही हो गया। हितेश भाऊ, हमका तो लगा था कि जरूर हम लोगों का सजा मिली है अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से, काहे कि वो आर्थिक हम लोग अपनी चाल में रखे ना, अब पता नहीं हम लोगों के साथ का का होएगा आगे। कोई है? अरे कोई है? अरे है कमरे? आप चिंता मत कीजिए, सबसे पहले हम सब अभी के अभी पुलिस थाने चलते हैं और शिकायत दर्ज करते हैं, चलिए। अरे भीमराव, एक अनजान खत मिला है हमारे थाने के बाहर, तुम सबके काम का है। मैं कौन हूं ये जानने की जरूरत नहीं है। बस ये जानो कि आरती चाल में रहेगी तो जितने लोग अगवा हुए हैं उन सब में से एक एक करके मरे हुए पास के दरिया में पाए जाएंगे। और सबसे पहले शुरुआत होगी दीपक से। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। दीपक को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मेरे बेटे दीपक के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं होगा दीपक को, आप दोनों चिंता मत कीजिए। देखिए ये सब हमें डराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हाँ मैं डर रही हूँ, अब मैं किसी की जिंदगी में और मुश्किलें पैदा नहीं कर सकती। आरती जी शांत हो जाइए और संभालिए अपने आप को। हाँ मैं संभाल रही हूँ अपने आप को रमा, लेकिन मैं क्या करूँ, कल को दीपक को कुछ हो गया तो, या हितेश जी मनोहर नंदू इनको कुछ हो गया तो, और मेरे यहाँ रहने से जो मेरे साथ है उन्हें भी और जो मेरे विरोधी है उन्हें भी मैं मुसीबत में डाल दूंगी। आरती, हमने साथ लड़ने का फैसला किया है ना, तो हम साथ लड़ेंगे, कीमत चाहे जो भी चुकानी पड़े हम लड़ेंगे। मुझे नहीं लड़ना है दीदी, मुझे लगता था कि जैसे सब अपने बच्चे को पाल लेते वैसे मैं भी अपने बच्चे को पाल लूंगी, लेकिन लेकिन मैं गलत थी। लेकिन लेकिन अब कुछ सही है तो बस वो। कभी जिंदगी में लगे ना कि जीना मुश्किल हो रहा तो इस लकड़ी पर से इस कंबल को उतारना, ओढ़ना और निकल जाना, हम मिल जाएंगे। हम में से किसी के भी कंधे इतने मजबूत नहीं है कि हर सुबह इस चौल के एक एक आदमी की लाश उठा के ला सके। इसलिए मुझे जाने दीजिए। आरती जी ये सब मत कीजिए, आरती जी भीमराव रमाबाई दीदी और आप सब,
हम सब ये लड़ाई हारे नहीं है, बस बस पूरे तरह जीत नहीं पाए। और आप सब अगर नहीं होते ना तो शायद मेरा बच्चा पेट में ही मार दिया जाता। लेकिन अब मेरा बच्चा जन्म लेगा और यही हमारी जीत है। और इस जीत के लिए आप सबका धन्यवाद। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना तो मैं उसे तुम्हारी कहानियां सुनाऊंगी। एक भीमराव है जो छोटी जात की दलदल भरी परिस्थितियों में पढ़कर अपनों के लिए लड़ता है। एक रमाबाई थी उसकी पत्नी जो हमेशा साये की तरह उसके साथ रहती। भीम, मेरा बच्चा तुम्हें मामा बुलाएगा और रमा तुम्हें मामी और दीदी आपको मौसी। और ये चौल उसका ननिहाल होगा। बस अब मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। अब और चाह कर भी नहीं रुक पाऊंगी। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, द्विपाटन के बीच में साबुत बचा तुम लोगों के ये चुके हुए चेहरे देखकर।
तो क्या हासिल हुआ ये सारी नौटंकी करके? हार नहीं पड़ा ना? मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं। लंदन में मेरा जो घर है वहां पे बस्ती जंगल के थोड़ा नजदीक है, वहां पे तूफान आते जाता रहता है। टॉम, तो वहां पे जब तूफान आता है तो हमें सिखाया जाता है कि अपनी जान बचा। लंदन के हमारे बस्ती में लोग छत के ऊपर खड़े रहके उस तूफान का सामना नहीं करते, बिकॉज वो लोग समझदार है, तुम लोगों की जैसे बेवकूफ नहीं। कौन सिखाएगा तुम लोगों को? अगर वैसा नहीं करते तो आज आठ तुम्हारे साथ रहते, सब कुछ ठीक रहता, लेकिन तुम लोगों को लड़ना था और हारना भी था। नहीं लड़ते तो हारते भी नहीं। इस बार की तरह अगली बार तूफान आए तो उसका सामना करने की गलती मत करना। अगर मेरी बात सुनके तुम लोगों का मन कर रहा है कि तालियां बजाने का, तो प्लीज तालियां बजाना। मजे करो। डेविड सर, समय लगेगा, समय लगेगा, लेकिन आप जैसे लोग एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तमाम देशों को जीतने की खुशी से ज्यादा दुख तब होना चाहिए जब आप किसी के दिल से उतर जाते हैं। भीम नहीं, आरती। आरती जी का नाम लीजिए। और वो इसलिए क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करती थी, आपकी इज्जत करती थी, लेकिन अभी आपसे मुंह फेर के चली गई। डेविड जी, अभी जो कुछ भी हुआ उसका अपने अपने तरीके से आकलन होना जरूरी है। जिसे आप अपनी जीत समझ सकते हैं, हम सब अपनी हार मान सकते हैं, लेकिन आरती जी हारी नहीं, वो लड़ी। अपने बच्चे के लिए लड़ी, हमारी जात के लिए लड़ी, अंत तक लड़ी। और जाते जाते आपको ये बता कर भी गई कि आपके होने या ना होने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचिए डेविड सर, उस व्यक्ति की क्या महत्ता बची जिससे पूरी ताकत के साथ लड़े और सामने वाला ये कहकर चला गया कि आपके होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और रहा सवाल आपकी उस लंदन की स्टोरी का, तूफान, तूफान से बचने का या लड़ने का, तो जरा इंतजार कीजिए। जिस दिन इस देश के मुट्ठी भर लोग भी तूफान से लड़ने की हिम्मत जोड़ पाएंगे ना, उस दिन आप जैसे तूफान से बचने की सीख देने वाले शासक देशों को हमारा ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा।